Neha. I am your English teacher, and today I will tell you chapter number 1. The name is The Alphabet. What is the name of the chapter? The Alphabet. Okay, today I will study, we will study chapter number 1, the grammar portion, The Alphabet. You can see that I will write the alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, and 2YZ. This is the capital letter alphabet. We will call it capital letters. Also, I will write that the small letter, which is called small letter. This is called capital letter and this is called small letter. How many alphabets are there? Total number of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So how many alphabets are there? 26 letters in a alphabet. How many alphabets? 26. So we write these letters in a capital form, and we write these letters in a small form. There are two forms, capital form and a small form. This order is called alphabetic order. Okay. Now, alphabet, we will write any word. We will write any word. First letter, we should write first letter in a capital form, not a small form. For example, this is a apple. This is apple. What are the spelling of apple? A, double B, L, E. The first letter in a word apple is A. What's the letter is? A. First letter should be right mostly in capital letter. Second example is, this is the mango. What is the spelling of mango? M-A-N-G-O. Mango. What is the first letter? M. M should be write down in a capital form. Capital form. हम्स कभी भी जब भी लेटर्स लिखना स्टार्ट करेंगे वर्ड्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें ध्यान इस बात का रखना है इसका फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल में लिखना है फर्स्ट लेटर कैपिटल में दिस इज द राइट वे अगर हम इस तरह से लिखते हैं फर्स्ट लेटर तो दिस इज द रॉन्ग वे ये हमारा गलत तरीका होगा राइट वे है कि जब भी हम राइटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं उस समय हमारा जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा ओके फाइन अब यहाँ पे आपकी बुक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं फिगर्स के साथ व्हाट इज दिस दिस इज एप्पल एप्पल की स्पेलिंग क्या है ए डबल पी एल ई तो फर्स्ट लेटर क्या है इसमें ए ए शुड बी कैपिटल फॉर एग्जांपल दिस बुक बुक का फर्स्ट लेटर क्या है बी बी शुड बी कैपिटल लेटर इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है आपको यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटीज दी हुई है इसको आपको बुक में ही करना है और अब आप आते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट में वोवल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ जिसे आपको कन्वर्ट करना है कैपिटल लेटर देखिए ये आपको नोटबुक्स के अंदर करना है ये आप नोटबुक में करेंगे आपको कन्वर्ट करना है कन्वर्ट इनटू dog,
book क्या है? The first letter क्या है? The. Next letter क्या है? B. Next letter क्या है? C. तो इसलिए हमें checkout ये करना है कि सबसे पहले कौन सा alphabet हम लिखते हैं. यहाँ देखिए पहला letter हम A लिखते हैं. A तो इसमें नहीं है. फिर then next letter क्या लिखते हैं? B. क्या B इसमें है? Yes. तो B को हमें capital letter में show करना है. Book. Okay. Then book के बाद क्या है? Cat. C. यानी B के बाद हम C लिखते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे C. T. Cat. Then third क्या है? Dog. तो D को भी हम capital में लिखेंगे. इस form को हम alphabetic order कहते हैं. क्या कहते हैं इस form को? Alphabetic order. ओके, ये फॉर्मेशन हम अल्फाबेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं. अब आते हैं हम वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट. आपको पता है वोवल्स क्या होते हैं? आपने पिछली क्लास में वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा. हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, देयर आर 26 अल्फाबेट्स आर देयर. अल्फाबेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक है वोवल्स. How many vowels are there? Five. How many vowels are there? Five. Okay. Next आता है consonant. 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 How many consonants are there? 21. How many consonants are there? 21. अब vowels. Vowels को हम कैसे पहचानेंगे? ये देखिए. हमारे नंबर में vowels होते हैं सारे, जिसे हम कहते हैं A, I, O, U, E. ये हमारे अल्फाबेट में से 5 letters vowels कहलाते हैं. अब consonant किसे कहते हैं? इनको छोड़ के जो बाकी letters बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. एग्जाम्पल बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ. सॉरी वो नहीं आएगा इसमें. ओ क्योंकि वोवल्स हैं. पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. दीज आर द consonant and these are the vowels. Are you understand? These are the vowels and these are the consonant. Make a difference between vowels are only 5 and consonants are 21. So which letters are there in a vowels? A, I, O, U, E. Remaining parts of the letter is called consonant. Then B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N. These are the consonants. अब आते हैं हम exercise पे. ये आपकी exercise है. Practice. इसमें आपको ये words given को fill up कर दिया. There are dash letter in an English alphabet. English alphabet में कितने letters होते हैं? 26. तो इसे आपको tick करना है. The letters can be written in letters को हम किस में लिखते हैं? टू वेज में. एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर. नेक्स्ट आर्डर विच इज द स्मॉलेस्ट लेटर ऑफ डी. डी डी को हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये आपका कैपिटल लेटर डी है तो स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे हम? इस तरह से. ठीक है. विच ऑफ दीज फॉलोइंग लेटर्स इन अ इज अ वोवल. इसमें से कौन से लेटर्स हैं जो वोवल से? देखिए ए बी है, बी डब्ल्यू और सी यू. तो यू हमारा वोवल्स है. ओके स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है आपको ये पूरी कंप्लीट करनी है नोटबुक में. बी राइट द स्मॉल लेटर फॉर द कैपिटल लेटर. इन सभी कैपिटल लेटर्स के आपको स्मॉल लेटर्स लिखने हैं. क्वेश्चन सी, पुट इन एबीसी ऑर्डर द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. ये जो भी एबीसीडी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसको आपको ऑर्डर्स में लिखने हैं. जैसे आप एबीसीडी लिखते हैं उस तरह से. क्वेश्चन नंबर डी, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच नेम. फर्स्ट लेटर का आपको नाम लिखना है. यहाँ डी है, डी. देन एन का एन.
इनसे आपको ना बनाना है, ये आपको डी तक सभी क्वेश्चंस कर देने हैं, ओके, ये आपको सभी नोटबुक्स के अंदर करना है, ओके स्टूडेंट, देन थैंक यू आपको।